नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की फटाफट खबरों में आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 158,300 के पार निकल गई। उधर किसानों के लिए कर्ज माफी की बड़ी योजना, 1,00,000 करोड़ रुपए के लोन माफ करने का बड़ा प्लान। उधर बिना मास्क पकड़े गए तो अब कटेगा चालान। उधर बस, ट्रेन, फ्लाइट, राशन कार्ड और पेट्रोल पर 1 जून से होने जा रहे हैं आपके काम के ये 5 बड़े बदलाव। उधर लॉकडाउन 5 में मॉल नहीं पर खुल सकते हैं जिम। केंद्र ने कहा कि कंटेनमेंट के लिए और सख्त हो राज्य सरकारें। उधर इंडियन रेलवे का बड़ा फैसला, अब 3 महीने पहले करा सकते हैं टिकट बुक। उधर आधार कार्ड से बस 10 मिनट में बन जाएगा आपका पैन कार्ड, आज से शुरू ही नई सेवा। उधर 5 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो सकता है पेट्रोल और डीजल। उधर कर्नाटक ने इन 5 राज्यों से आने वाले विमानों और ट्रेनों और वाहनों पर लगाई रोक। उधर इंडियन रेलवे की पूछताछ केंद्र, टिकट रिजर्वेशन, कैंसिलेशन सर्विस रहेंगी बंद, जानिए क्या है कारण। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 158,333 हो गई, जिसमें से 4,531 लोगों ने अभी तक अपनी जान गंवा दी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक 67,691 मरीज बिल्कुल ठीक हो गए। वह अगली बड़ी खबर, किसानों के लिए कर्ज माफी की बड़ी योजना, 1,00,000 करोड़ रुपए के लोन माफ करने का बड़ा प्लान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार किसानों को एक और बड़ी राहत देने की पूरी तैयारी में है। जानकार बताते हैं कि मोदी सरकार किसानों को बड़े पैमाने पर कर्ज माफी का तोहफा दे सकती है। जानकारी मिली है कि सरकार किसानों के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए तक के कर्ज माफी का ऐलान कर सकती है। आपको बता दें कि यह कर्ज माफी कई चरणों में की जाएगी। सरकार के सूत्र बताते हैं कि सरकार किसानों के लिए पहले चरण में 25,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी का ऐलान करेगी। किसानों के लिए यह बड़ी राहत की खबर होगी। आपको बता दें कि देश का किसान इस समय पहले कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन से परेशान था, अब पाकिस्तान से आई हुई टिड्डियों ने देश में बड़े पैमाने पर फसलों को चौपट कर दिया है। इस समय किसानों पर कुदरत की दो तरफा मार पड़ी है। लॉकडाउन के चलते फल सब्जियों की मांग बहुत कम हो गई, जिसका सीधा असर किसानों पर पड़ा है। थोक बाजार में कृषि उत्पादों के दाम 30-40% गिर गए। प्याज और टमाटर उत्पादक किसानों का तो हाल ही बुरा है। आपको बता दें कि थोक मंडी में प्याज 500 रुपए क्विंटल के आसपास चल रही है, जिससे किसानों की लागत तक नहीं निकल पा रही। यही हाल टमाटर का भी है। दिल्ली के फुटकर बाजारों में टमाटर 10 से 15 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। आपको बता दें कि इन हालातों को देखते हुए केंद्र सरकार किसानों के हक में कर्ज माफी का फैसला लेने को जा रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार का शुरू से ही किसानों पर फोकस रहा है कि 2022 तक किसानों की आमदनी बढ़ाकर दोगुना करने के टारगेट पर लगातार काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसी वजह से अब केंद्र सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का बड़ा फैसला लिया है। वह अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन 5 में नहीं खुलेंगे मॉल, पर खुल सकते हैं जिम। केंद्र सरकार ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के लिए और सख्त हो जाए राज्य सरकारें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के कारण चल रहे लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को खत्म होने जा रहा है और उसके तुरंत बाद ही लॉकडाउन 5 लागू हो जाएगा। आपको बता दें कि इसके खत्म होने से पहले कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गब्बा ने ऐसे 13 जिलों के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर और जिला मजिस्ट्रेट से बात की, जहां पर देश के कोरोना वायरस के 70% मामले हैं। केंद्र सरकार के अधिकारियों ने कहा कि इस बैठक में जिन इलाकों में अधिक मामले हैं, ऐसे कंटेनमेंट जोन को सील करने पर जोर दिया गया है और राज्यों से 1 जून से लागू होने वाली रणनीति पर सुझाव दिए हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन 5.0 में सरकार मंदिरों और जिम को खोलने की इजाजत दे सकती है। गोवा और कर्नाटक सरकार ने होटल और हॉस्पिटलिटी सेक्टर खोले जाने को लेकर भी रुचि दिखाई है। आपको बता दें कि अधिकारियों ने कहा कि स्कूल, कॉलेज, मॉल्स और सिनेमा हॉल अगले 2 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे, लेकिन बाकी अन्य सेक्टर्स के लिए राज्यों को अपनी ओर से फैसला लेने की छूट होगी। वह अगली बड़ी खबर, इंडियन रेलवे का बड़ा फैसला, 3 महीने पहले अब करा सकते हैं टिकट बुक। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने रेल मुसाफिरों के हक में एक बड़ा फैसला किया है। मुसाफिर अब 30 दिन की जगह 120 दिन यानी 3 महीने पहले एडवांस में टिकट बुक करा सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान चलाई जा रही विशेष ट्रेनों के लिए जारी दिशा निर्देशों में बदलाव करते हुए भारतीय रेल ने यह कदम उठाया है। बता दें कि लॉकडाउन में फंसे लोगों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए भारतीय रेल 12 मई से 30 स्पेशल AC ट्रेन चला रहा है। इसके अलावा 1 जून से 200 विशेष ट्रेन और चलाई जाएंगी। आपको बता दें कि ये सभी ट्रेन श्रमिक स्पेशल ट्रेन से अलग हैं। अभी तक इन ट्रेनों के लिए 30 दिन पहले टिकट बुक कराने की व्यवस्था थी।
थी, लेकिन इंडियन रेलवे ने अब इसे बढ़ाकर 120 दिन यानी 3 महीने कर दिया है। यानी कि अब आप 3 महीने पहले अपना टिकट बुक कर सकते हैं। इन 230 स्पेशल ट्रेन में यात्रा के लिए ऑनलाइन टिकट बुक कराई जा सकती है। हालांकि सरकार ने देश भर में 2 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC से भी टिकट बुक कराने की सहूलियत दे दी है। आपको बता दें कि इन ट्रेनों में अब सामान की भी बुकिंग कराई जा सकती है। वह अगली बड़ी खबर, अब बिना मास्क के पकड़े गए तो कटेगा चालान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन का सख्ती से पालन और कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए सरकार लगातार नए नए प्रयोग कर रही है। इसी क्रम में अब फैसला लिया गया है कि यूपी में कोई भी शख्स अगर बिना मास्क के पकड़ा जाता है तो उसका 100 रुपए का चालान कटेगा, साथ ही उसे 10 रुपए में 2 मास्क भी खरीदने पड़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और उत्तर प्रदेश में मास्क को अनिवार्य कर दिया है। यदि आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आपका 100 रुपए का चालान तुरंत कट जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, अब आधार कार्ड से मात्र 10 मिनट में बन जाएगा आपका पैन कार्ड, आज से शुरू ही नई सेवा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को आधार का ब्यौरा देकर तत्काल ऑनलाइन स्थायी खाता संख्या यानी पैन कार्ड नंबर जारी करने की सेवा की शुरुआत कर दी। बजट 2020-21 में आधार कार्ड के ब्यौरे के जरिए तत्काल ऑनलाइन पैन कार्ड जारी करने की प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव किया गया था। इसमें विस्तृत आवेदन फार्म भरने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। इसके पीछे उद्देश्य पैन कार्ड आवंटन की प्रक्रिया को सुगम बनाना है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बयान में कहा कि वित्त मंत्री ने बृहस्पतिवार को औपचारिक तौर पर इस सेवा का शुभारंभ कर दिया। आपको बता दें कि CBDT ने कहा कि यह सुविधा उन पैन आवेदकों को उपलब्ध होगी जिनके पास वैध आधार कार्ड नंबर है और उनका मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ जुड़ा है। आवंटन की प्रक्रिया दस्तावेज रहित होगी और आवेदकों को इलेक्ट्रॉनिक पैन कार्ड निःशुल्क जारी कर दिया जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, अब 5 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो जाएगा पेट्रोल और डीजल, जानिए क्या है कारण। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अब आप पेट्रोल पंप पर 4 से 5 रुपए प्रति लीटर तक ज्यादा देने के लिए तैयार रहिए। अगले महीने से सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल डीजल का भाव प्रतिदिन रिवाइज करने की पूरी तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट में आधिकारिक सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि तेल मार्केटिंग करने वाली सरकारी कंपनियों ने खुदरा ईंधन को लेकर पिछले सप्ताह एक बैठक की थी। इस बैठक में मौजूदा हालात का जायजा लेते हुए लॉकडाउन के बाद के लिए रोड मैप तैयार किया गया। इसमें लॉकडाउन के बाद पेट्रोल डीजल के भाव को पहले की तरह प्रतिदिन रिवाइज करने पर भी चर्चा हुई। आपको बता दें कि 5वें चरण के लॉकडाउन लगाने के तुरंत बाद ही यह प्रक्रिया शुरू कर दी जा सकती है। हालांकि इन कंपनियों को सबसे पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। लॉकडाउन की वजह से जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य तरह के यातायात बंद थे, इस वजह से तेल कंपनियों को भारी नुकसान का सामना उठाना पड़ा। आपको बता दें कि उम्मीद की जा रही है कि 5वें चरण के लॉकडाउन में कई तरह की छूट दी जा सकती हैं। यही कारण है कि ये कंपनियां एक बार फिर से तेल के दाम को प्रतिदिन रिवाइज करने के पक्ष में हैं। यदि ऐसा हो गया तो पेट्रोल और डीजल 5 रुपए प्रति लीटर तक महंगे हो जाएंगे। वह अगली बड़ी खबर, मजदूरों को राहत देने के लिए कानून में बदलाव कर सकती है सरकार, जल्द मिलेगी फिक्स्ड सैलरी पेंशन और इंश्योरेंस। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर लगातार आलोचना झेल रही सरकार जल्द कानून में बदलाव करने वाली है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार प्रवासी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की तैयारी में है। इसके लिए प्रवासी मजदूरों से जुड़े कानून में बदलाव संभव है। प्रवासी मजदूर के लिए पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस जैसी सुविधाओं का प्रस्ताव है। एक तय रकम की सैलरी भी फिक्स हो सकती है। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक नए प्रावधानों के तहत प्रवासी मजदूरों को साल में एक बार अपने राज्य जाने का खर्चा भी मिलेगा। आपको बता दें कि इसके लिए इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट 1979 में संशोधन होगा। ये प्रस्ताव जल्दी ही कैबिनेट में भेजा जाएगा। आपको बता दें कि इससे सभी तरह के प्रवासी मजदूरों को फायदा होगा। हर वर्कर को अलग यूनिक ID कार्ड दिया जाएगा। इसके बाद ऐसे कामगारों को हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशन जैसी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। वह अगली बड़ी खबर, सोनिया गांधी ने कहा कि देश ने देखा गरीबों का दर्द लेकिन सरकार ने नहीं, खजाने का ताला खोल की जाए मदद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार पर गरीबों के दर्द का एहसास नहीं होने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को कहा कि मजदूरों को मुफ्त परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के साथ ही गरीब परिवारों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों की तत्काल वित्तीय मदद की जाए। आपको बता दें कि सोशल मीडिया में कांग्रेस की ओर से शुरू किए गए स्पीक अप इंडिया अभियान के तहत सोनिया गांधी ने एक वीडियो जारी कर सरकार से ये आग्रह किया है कि वह मनरेगा के तहत 200 कामकाजी दिन सुनिश्चित करे और सभी जरूरतमंदों के लिए राशन का प्रबंध करे। कांग्रेस का कहना है कि उसने गरीब
गरीबों, मजदूरों और छोटे कारोबारियों की मदद के लिए सरकार पर दबाव बनाने के मकसद से यह अभियान चलाया है। आपको बता दें कि साथ ही सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि हमारा केंद्र सरकार से फिर आग्रह है कि खजाने का ताला खोलिए और जरूरतमंदों को राहत दीजिए। हर परिवार को 6 महीने के लिए 7,500 रुपए प्रति महीने सीधे नगद भुगतान करें और उसमें से 10,000 रुपए फौरन मदद के लिए दें। वही मौसम अपडेट स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियां कुछ हद तक कम हो जाएंगी, लेकिन मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश बढ़ेगी। पश्चिम बंगाल में बिहार के कई हिस्सों और झारखंड के पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां संभव है। उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार है। उत्तरी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी चलने या फिर बादलों की गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने के आसार है। हरियाणा, दिल्ली, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी जारी रहेगी। आपको बता दें कि उधर राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में, छत्तीसगढ़ और आंतरिक महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में लू का प्रकोप जारी रहने की उम्मीद है। इन भागों में मौसम शुष्क रहेगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।